नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय वेब चैनल लाइव मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते। बुरहानपुर में कॉलोनी का रास्ता बंद कर देने से कॉलोनी के रहवासी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना पर प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे व लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, रास्ते से लोगों को हटाकर जाम खुलवाया। किसी का भी रास्ता हमें उसे कोई लेना देने, हमको रास्ता चाहिए बस। एसपी साहब 10 बजे आने वाले हैं, आपने मिल जाइए, उन्होंने 10 बजे का वादा करा है। महिला मंडल इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद एसडीएम प्रगति वर्मा जब वहां से जाने लगी तो रहवासियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक उनके वाहन को रोके रखा। मामला शहर के लालबाग क्षेत्र की गोकुलधाम कॉलोनी का है, जहां पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के भाई अमित मिश्रा की निर्माणधीन स्कूल अर्वाचीन इंडिया के प्रबंधक ने रास्ता बंद कर दिया था, जिस कारण कॉलोनी वासियों को आने जाने की दिक्कत हो गई थी, जिससे कॉलोनी की महिलाएं आक्रोशित हो गई और मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया। इस दौरान महिलाओं की महिला पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी भी हुई। रास्ता जाम इसलिए कि हमारा रास्ता पर रोका गया है, अर्वाचीन स्कूल का काम चल रहा है, इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका है। गोकुलधाम कॉलोनी वालों का आने जाने के लिए, सिटी तरफ जाने के लिए हमको कोई रास्ता नहीं है। बच्चों की स्कूल खुल चुके, ऑफिस खुल चुके हैं, तो कहाँ से जाएंगे? आदमी घूम के जाता है, हाउसिंग बोर्ड का एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है वो। उनको कार्रवाई कर, कागजी कार्रवाई करने की बात कर रही है, हमें तो तुरंत वाला काम चाहिए। पक्का रोड के लिए आप कागजी कार्रवाई करिए, पर हमको तो मिट्टी हटा के आने आने का रास्ता तो करिए। बैठे रहेंगे यहीं पे, अपनी गाड़ी तो जाने नहीं देंगे, हम भी रोड पे बैठे हैं, पब्लिक को भी परेशान करेंगे। भेजा गया है, लेकिन इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनके नॉलेज में नहीं था, तो इन लोग यहाँ बैठ गए थे, तो मैंने इन लोगों को अभी यहाँ से हटाया है कि आप लोग यहाँ धूप में ना बैठे। बच्चे महिलाएं बैठी हुई थी और अभी हम लोग देख रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।